बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 2.5 मीटर का सैटिन सिल्क फैब्रिक। आप रेयन मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेप मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इस तरह की धोती पैंट्स को आप कुर्ते के साथ या क्रॉप टॉप के साथ कैरी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लगेगा। सो यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 मीटर का कपड़ा, जिसे मैंने एक बार ही फोल्ड कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसे मैं दोबारा फोल्ड कर लूँगी। दोबारा फोल्ड हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, जो सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया है फोल्डेड एरिया पे, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका बीच का मार्किंग है। अब हमें कपड़े को एक तरफ से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना होगा, जहाँ तक की मार्किंग है वहाँ तक का, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। सेम इसी तरीके से आपको करना होगा एक साइड से, देन सेकंड साइड से भी आपको ये सेम स्टेप रिपीट करना होगा, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। सेम इसी तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना होगा। जब दूसरे साइड आप फोल्ड करेंगे तो पहले साइड पे एटलीस्ट 1 इंच का गैप आप रखें, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट 1 इंच का गैप रखते हुए आप फोल्ड कीजिए। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद नीचे से आप हाइट मेजर करिए। मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइट रखा है 35 इंच। ऑल्दो मेरी हाइट है टोटल 39 इंच, बट मैंने 4 इंच बेल्ट लगाऊंगी, इसीलिए मैंने 35 इंच तक ही मार्किंग किया है। तो नीचे से हर जगह आपको 35 करना होगा, स्ट्रेट लाइन बना देना होगा, देन इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हर तरफ मार्किंग करके कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम हमारा क्रॉस एरिया मार्क करेंगे। तो आपका जितना भी क्रॉस एरिया है आप उतना लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है 9 इंच। अगर आप हेवियर साइड पे है तो आप 9 से ज़्यादा लीजिए, लाइक 10 11 भी ले सकते हैं। ऊपर का लेयर आपको इस तरह हटा देना होगा एंड नीचे के लेयर पे जहाँ पे फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम क्रॉस एरिया मार्क करेंगे। लंबाई है 9 इंच, देन दोनों तरफ 2.5 इंच इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे, नीचे भी एंड ऊपर की तरफ भी। एंड इसे इस तरीके का कर्व शेप देते हुए हमें जोड़ लेना होगा, मिला लेना होगा एंड इसे हम कट कर लेंगे। अगर आप हेवियर साइड पे हैं थोड़े तो आप 10 या 11 लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इसे मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके नीचे का जो फैब्रिक है वो फोल्ड है, तो उसे अनफोल्ड करना होगा। अनफोल्ड करने के लिए उसे भी हम कट कर लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमारी पैंट्स रखी हुई है इसी तरीके से रखते हुए हम इसे भी अनफोल्ड कर लेंगे। कट करने के बाद जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरीके का फैब्रिक नजर आएगा। एक होगा काफ़ी लंबा एंड एक होगा छोटा सा। जो काफ़ी लंबा फैब्रिक है उसे हैज इट इज़ रहने देंगे, उसके 2 लेयर्स होंगे इस तरीके से, उसे आप जैसे है वैसे ही रहने दें। जो छोटा फैब्रिक है वहाँ पर भी एक साइड फोल्डेड होगी, उसे भी हमें अगेन कट करके इसके 2 पार्ट्स में से क्रिएट कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमें क्रॉस एरिया सिलना होगा। तो जो बड़ा फैब्रिक है हमारा उसकी क्रॉस एरिया हम सिल लेंगे एंड जो 2 छोटे फैब्रिक है उसके क्रॉस एरिया हमें सिलना होगा साथ में। तो जैसे कि बड़ा फैब्रिक रखा था सेम इसी तरीके से रखते हुए हम क्रॉस एरिया सिलेंगे एंड छोटे फैब्रिक को भी इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। सिलाई देने के बाद आपको इसे खोल लेना होगा। खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। सबसे पहले नीचे एक फैब्रिक रखें, फिर उसके ऊपर आपको जो छोटा फैब्रिक है उसे रखना होगा। जहाँ पर सिलाई दिए हैं वो दोनों साथ में होना चाहिए इस तरीके से। अब नीचे का सिलाई दे देना होगा, क्रॉस एरिया के नीचे की सिलाई हमें देनी होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। सिलाई देने के बाद अगर आप चाहें तो कोई भी लेस लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी ट्यूलिप पैंट काफ़ी आसानी से बन जाएगी। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है गुटापट्टी की लेस, इसे मैं ऑल ओवर नीचे की ओर लगा लूँगी जहाँ से हमारी पैंट्स विजिबल है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, यहाँ से हमारी पैंट्स विजिबल थी तो वहाँ से ऊपर तक हमें लगा लेना होगा। मैंने एक साइड इसे लगा लिया है, सेम तरीके से मुझे दूसरे साइड भी लगा लेना होगा। यहाँ दोनों तरफ जब आप लेस लगा लेंगे और इसे इस तरीके से फिर आप फ्लिप कर लें धोती पैटर्न में, नीचे एक लेयर होगा उसे ओवरलैप कर लें एंड उसके ऊपर आप सिलाई दे दें, या तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है मेरी कमर से 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा। मेरी कमर थी 30 इंच, मैंने यहाँ पर कपड़े को लिया है 34 इंच की, ताकि मुझे पहनने में आसानी हो। एंड इसकी जो चौड़ाई है वो
मैंने लिया है 6 इंच की। अब इसे फोल्ड कर लेना होगा एंड 4 इंच पे एक पॉइंट बना लें। 4 इंच के नीचे जितनी भी लंबाई है उस पर आपको सिलाई दे देना होगा। ऊपर 4 इंच मैंने छोड़ा है, उसके नीचे ही मैंने सिलाई दे दिया है। तो यहाँ पे सिलाई देने के बाद ऊपर जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से, जहाँ पर ऊपर हमने जितना कपड़ा छोड़ा है वहाँ पर दोनों साइड ऐसे ही हमें फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करके हम सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दिया है एंड ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब ऊपर से 1/2 इंच अंदर की ओर एंड देन 1 इंच या 1.5 इंच इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना होगा एंड ऑल ओवर सिलाई दे देनी होगी। ये स्टेप हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारी कोई भी डोरी इसके थ्रू पास कर सके कमर के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट तैयार कर लिया है काफ़ी आसान तरीके से। इसके थ्रू आप डोरी पास कर सकते हैं। इसे हमें जोड़ना होगा हमारे ट्यूलिप पैंट्स के साथ। बट सबसे पहले, जैसे कि हमने लेयर इसके ऊपर रखा है तो इसके ऊपर आप सिलाई दे सकते हैं ताकि हमारा लेयर हिले ना जगह से। एंड देन हमें इसके ऊपर प्लीट्स लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको उतनी प्लीट्स लगाना होगा जितना आपके ऊपर का बेल्ट के साइज़ का ये पैंट्स हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक साइड से प्लीट्स लगा लूँगी एंड जितने साइज़ का है उतना कर लूँगी एंड सेकेंड साइड भी मैं ये सेम स्टेप रिपीट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स लगा लिया है आगे की ओर, पीछे की ओर भी आप पीछे के सेंटर की ओर भी 2-3 प्लीट्स लगा लें ताकि आपको पहनने के लिए आसानी हो इस तरीके से। एंड ये पूरा मेजरमेंट मेरे बेल्ट साइज के मेजरमेंट का हो चुका है। अब बस हमें हमारा बेल्ट इसके साथ अटैच कर लेना होगा। तो इसे इस तरीके से रखते हुए उल्टा तरफ हम ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। सो इसी तरीके से हमारा ये ट्यूलिप पैंट तैयार हो चुका है। काफ़ी आसान था इसे बनाने के लिए एंड इसे पहनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।